मित्रों नमस्कार भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरे विश्व के लोगों को इंतजार था 22 जनवरी का 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होती है अब इस प्राण प्रतिष्ठा में विशेष कार्यक्रम जो विशेष पूजा पाठ रखी गई थी उस विशेष पूजा पाठ में विशेष पंडितों का चयन हुआ था जिला नगर के बरौली गाँव के सुमित्रानंदन चतुर्वेदी जी जो कि 121 ब्राह्मणों में से एक है उस पूजा में शामिल थे इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई थी मेरी प्रारंभिक पांचवी तक की शिक्षा हमारे गांव में ही हुई थी और यही गांव में ही सरस्वती शिशु मंदिर था श्रीविंद वाशिनी प्रसाद कृषक शिशु मंदिर और वहीं से ही हमने पांचवी तक की शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद पांचवी के बाद मैंने प्रथमा से छठवीं से यही संत कबीर नगर में ही कोडरा विद्यालय है कोडरा से श्री यात्रेय गुरु जी के सानिध्य में रह करके मैंने मध्यमा स्तर तक की पढ़ाई करी जी। और मध्यमा के बाद 2015 में मैंने शास्त्रीय और आचार्य जो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से किया जी। और वर्तमान में वहाँ शोध कार्य कर रहा हूँ आपका चयन होता है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए कैसे चयन होता है क्या प्रक्रिया रही प्रक्रिया सितंबर में एक बार पूरे भारत में इसका आयोजन किया गया था उसमें शास्त्रार्थ की भी प्रक्रिया रही और परीक्षाएं आदि हुई थी इंटरव्यू आदि हुआ था यद्यपि वह परोक्ष रूप से था प्रत्यक्ष रूप से ऐसी कोई उद्घोषणा नहीं थी कि राम मंदिर में आप सभी को चलना है तो उसी के आधार पर पूरे भारत में प्रक्रिया हुई थी और जिसमें छात्रों की इस संख्या जो लेनी थी छात्रों के मध्य ये सब हुआ था और विशिष्ट जो आचार्य हैं उनका तो चयन पहले से ही सभी जानते हैं उनकी विद्वत्ता को तो सब पहले से निर्धारित था और जो सामान्य जो छात्र वर्ग के छात्र और विद्यार्थी वर्ग के जो आचार्य थे उन सभी की सितंबर में इस एक परीक्षा आयोजित हुई उसके बाद अक्टूबर में एक परीक्षा हुई जी। साक्षात्कार आदि हुआ उसके बाद से फिर उसी जो साक्षात्कार के आधार पर सभी का चयन हुआ जब आपका साक्षात्कार होता है तो उस समय क्या आपको लगता है क्या यह अनुभूति होती है कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए मेरा चयन होगा नहीं ऐसी कोई अनुभूति और ऐसा कोई अनुभव नहीं था आ, ऐसा कुछ नहीं था कि राम जन्मभूमि में जाना है और मैंने ऐसा चिंतन भी नहीं किया था कि जा पाऊंगा सूचना कैसे प्राप्त हुई थी सूचना पत्र वहाँ से आया पत्र के माध्यम से भी उसके पहले दूरभाष से भी सूचना प्राप्त हो चुकी थी कि आपको पत्र भेजा जा चुका है जब सूचना मिली आपको कि भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में हम भी शामिल होंगे उस समय कैसा लगा उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ जैसे व्यक्ति स्वप्न देखता है उसी तरह की अनुभूति हो रही थी बाद में हृदय जो है आनंदित हुआ लेकिन तत्काल जब जिस क्षण सूचना प्राप्त हुई उस समय लगा कि एक व्यक्ति जिस जिस प्रकार से स्वप्न देखता है उसी प्रकार से मैं स्वप्न देख रहा हूं। अच्छा किसे पहले सूचित करते आप सूचित बताते हैं ये खुशी जो है किस में बांटते हैं सूचित एक हमारे मित्र थे तो उन्हीं को हमने कहा कि क्या ऐसा है तो उन्होंने फिर बताया कि हाँ ऐसा है आपको यकीन नहीं हो रहा हाँ तो बाद में फिर और लोगों को बताया हाँ। हाँ। अच्छा किस तारीख को आप लोग जो है राम मंदिर में पूजा पाठ के लिए जाते हैं आ, काशी से हम लोगों ने संक्रांति स्नान किया उसके बाद वहाँ से बस से पंद्रह तारीख को हम लोग अयोध्या पहुंचे हैं और सोलह तारीख से प्रातः काल से लगभग नौ दस के बीच में पूजन का कार्य प्रारंभ हुआ अच्छा प्रारंभिक जो पूजन पाठ था किस प्रकार से कैसे सोलह तारीख से कैसे पूजा पाठ कराएगा सर्वप्रथम क्षौर आदि हुआ जो यजमान का दशविद स्नान होता है स्नान हुआ स्नान के बाद प्रायश्चित हुआ प्रायश्चित के बाद कर्मकुटी आदि हुआ ये सब प्रक्रियाएं चलें जो प्रतिष्ठा की प्रक्रियाएं होती हैं समस्त देशवासियों को 22 तारीख का इंतजार था 22 जनवरी का इंतजार था और 21 जनवरी को शाम को सुमित्रा नंदन चतुर्वेदी जी क्या महसूस कर रहे थे कि वो 22 जनवरी का माहौल किस प्रकार का होगा 21 जनवरी से ही नहीं यद्यपि जिस समय से उद्घोषणा हो चुकी थी कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने थे तभी से अनुभूति हो रही थी कि प्रत्येक जनमानस इस समय आनंदित और आह्लादित होगा और वैसा ही हुआ फिर उसके बाद जब 22 जनवरी की सुबह होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं मंदिर प्रांगण में उस समय कैसा महसूस हुआ आपको हम लोग पहले से ही गर्भगृह में बैठे हुए थे प्रक्रिया पहले से चल रही थी और उस कार्यक्रम के मुख्य यजमान डॉक्टर अनिल मिश्र जी थे जी। जिनके द्वारा ये कार्यक्रम संपादित हो रहा था बारह बज के पाँच मिनट पर हम लोगों को ये सूचना मिलती है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और गर्भगृह में आ रहे हैं उसके बाद वो लोग आए तो प्रत्येक जो भारतवासी गर्व की अनुभूति कर रहा था क्योंकि जो राजा होता यदि वह धर्मनिरपेक्ष हो जाए तब उस राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता ये तो मानना पड़ेगा यद्यपि राजनैतिक विषय राम नहीं है लेकिन यदि प्रधानमंत्री इस कार्य में न आते तो कोई कुछ कर नहीं पाता लेकिन उन्होंने आकर के निर्भीकता दिखाई कि धर्म के प्रति वो कितने सजग हैं और उन्हें किसी से डर नहीं लगता जी। तो अनुभूति हम सभी ने किया आपकी मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री जी से सामूहिक मुलाकात हुई व्यक्तिगत हमारी कोई मुलाकात नहीं थी सामूहिक आचार्यों से जिस प्रकार से मिले उसी प्रकार से हम हमारी भी मुलाकात थी किस प्रकार से आप लोगों को किस प्रकार से संबोधित किए संबोधित कुछ नहीं था अभिवादन किए हाथ जोड़ करके समस्त आचार्यों के साथ हम सभी का अभिवादन किया और कोई संबोधन नहीं था मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान श्री रामचंद्र जी एक लंबे वक्त के बाद टाट से उठ करके अपने मंदिर में गए हैं कैसा महसूस हुआ आप लोगों को इसी की प्रतीक्षा सभी को थी इसके पीछे का इतिहास आप सभी जानते हैं कि क्या क्या संघर्ष रहा एक कई पीढ़ियाँ समाप्त हो गई कितने माँ के लाल समाप्त हो गए कितने माँगों के सिंदूर समाप्त तो हो गए, तो हो गए। उसके बाद जो हमारे पूर्वजों की कल्पना थे वह साकार होती जब दिखाई दे तो प्रत्येक सनातनी और प्रत्येक हिंदू अपने नेत्रों में आनंद के आंसू को लेकर के भगवान को निहारने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा था पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में क्या अंतर नज़र आया आपको पहले की अयोध्या अनाथ दिखाई देती थी और आज की अयोध्या सनाथ दिखाई दे रही है इसी से फर्क साफ दिखाई देता है कि जिस प्रकार से पिता के न रहने पर पुत्र की स्थिति होती थी होती है उसी प्रकार से अयोध्या की स्थिति थी और आज जैसे एक पिता अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रख करके चलता है और उसे प्रत्येक परिस्थितियों में उसके साथ खड़ा होकर के कहता है कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है और वह आत्मनिर्भर होने के लिए आगे बढ़ता है उसी प्रकार से आज आत्मनिर्भर होती हुई अयोध्या सनात होकर के दिखाई दे रही है क्या लगता है इससे जोड़ा जा सकता है कि जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में वनवास गए थे उस अयोध्या को और ये जो 500 वर्षों का हम लोग इंतजार किए तो अयोध्या तो की हो चुकी थी और आज तो लगभग 500 वर्ष की स्थिति रही 14 वर्ष में इतनी दुर्गति हो सकती इतना ह्रास हो सकता है तो ये पाँच वर्ष में तो बहुत ही ह्रास हुआ होगा इसकी अनुभव इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते देशवासियों के लिए क्या संदेश होगा आपको देशवासियों के लिए यही संदेश है कि राम के चरित्र को राम के आदर्श को हम जीवन में धारण करें क्योंकि राम जी का जो आदर्श था राम जी ने बार बार मानवता के ऊपर ही जोड़ दिया कि हमें मानव बनना है मनोरभाव मनोरभाव हमारे शास्त्र भी कहते हैं राम ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिसमें राम अपने आप को देवता के रूप में ख्यापित कर रहे हों राम ने धार्मिक होने का आदर्श प्रस्तुत किया राम ने प्रत्येक कार्य ऐसा किया जिससे मानव मानवता के प्रति समर्पित हो करके उसे अपना आदर्श माने राम को आदर्श इसीलिए माना जाता है और हमें एक घटना याद आती है कि जिस समय आज की स्थिति क्या है आज की स्थिति प्रत्येक व्यक्ति धर्म का विरोध करता है प्रत्येक व्यक्ति यज्ञ का विरोध करता है राम जी के समय में भी स्थिति थी राम जी जिस समय थे तो मारीच और सुबाहों आए तो विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम जी गए थे तो राम जी ने कहा कि भाई जान कहाँ आप आ गए तो इन्होंने कहा कि हमारा कौम कहता है हम अपने कौम के बात की रक्षा करने के लिए कौम को मनवाने के लिए जो हमारा कौम कहता है उस सूत्र को यहाँ ख्यापित करने के लिए हम आए हैं भगवान ने कहा आपका कौम क्या कहता है तो इन्होंने कहा कि हमारा कौम कहता है कि आदमो द्विजान देव यजन निहन्म हम जो यज्ञ करने वाले हैं उन्हें खाते हैं उन्हीं को मारते हैं और इतना ही नहीं साधारण व्यक्ति को कम लेकिन जो यज्ञ करने के लिए यज्ञाग्नि से संतापित हैं यज्ञाग्नि से जो पक चुके हैं उनके सोधे हुए मांस को खाने में हमें और आनंद आता है और हम इतना ही नहीं और क्या करते हैं भगवान ने कहा बताओ क्या करते हो तो कहा कि हम करते हैं प्रेत नराधिवासम जहाँ हरी भरी जनता दिखाई दे जहाँ खूब लोग रहे आनंदित आह्लादित होते हुए दिखाई दें, उसे हम स्मशान बना करके प्रसन्न होते हैं जी। भगवान ने कहा यदि आप ऐसा करना चाहते हो यदि तुम अपने आप को आतंकवाद के रूप में ख्यापित करना चाहते हो मारना चाहते हो तो हमारा धर्म इसके सीधे विपरीत कर कहता है जी। तो हम अपने धर्म का पालन करेंगे जी। और वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है भगवान ने वहाँ मानवाश त्रेड़ भगवान ने और किसी अस्त्र का योजन नहीं किया भगवान ने और किसी अस्त्र का संचालन नहीं किया भगवान ने मानवास्त्र का प्रयोग किया और मानवास्त्र के परिणाम के सौ जोजन सागर के उस पार गिरता है और आप सभी जानते हैं वही मारीचस आज मारीचस बना हुआ है और वह बाद में कहता है कि रामो विग्रहवान धर्म राम विग्रहवान धर्म है तो राम ने मानवास्त्र का संधान करके बताया है कि आपके जीवन में यदि मानवता है तो कितनी भी बड़ी कुरीति रहे कितना भी बड़ा आतंकवाद रहे आप उसे अवश्य ही समाप्त कर देंगे और हम प्रत्येक देशवासियों से ही कहना चाहेंगे कि आप मानवता को धारण करके राम के आदर्शों को अपने जीवन में ख्यापित करें और समस्त कुरीतियों को दूर भगा दें अच्छा आज के जो धर्म विरोधी हैं जो धर्म को न मानते हैं यज्ञादि का विरोध करते हैं तो क्या उनको मारीच से जोड़ा जा सकता है एकदम जोड़ा जा सकता है हमने कहा ना कि उन उस उन्होंने कहा कि हम जो यज्ञ करने वाले उन्हें नष्ट करते हैं भगवान ने कहा यदि तुम नष्ट करते हो तो हमारा धर्म यह कहता है कि जो इनका विरोध करें उन्हें हम नष्ट कर दें और भगवान ने ऐसा ही किया जी युवाओं के प्रति क्या संदेश होगा जो युवा आपको देख रहे हैं क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी है आधुनिकता के दौर में लोग जो है मार्ग से भटक जाते हैं उनके लिए आपका संदेश क्या होगा देखिए हमारा जो राष्ट्र रहा जी और मैं बार बार यह कहता हूँ कि जब विश्व वृद्ध हो रहा है तो भारत जवान हो रहा है भारत युवा हो रहा है जी। और जिस शोर जवानी मुड़ती है उस शोर जवाना मुड़ता है जी। तो सभी जानते हैं और युवाओं के लिए हमारा विनम्र निवेदन रहेगा कि युवा अवश्य ही ए, सोच समझ करके कोई भी कार्य करें और राम जी के रूप में हमारा नया युग निर्माण अब प्रारंभ हो रहा है और इसमें युवाओं की ही सर्वश्रेष्ठ भूमिका होगी अब क्या करना है युवा युवाओं के हाथ में है इसलिए युवाओं से हम यही कहेंगे कि आप राम के चरित्र को अपने जीवन में धारण करके कर्म करते रहें लेकिन वह कर्म धार्मिक कर्म होने चाहिए धर्म परक कर्म होने चाहिए और वो धर्म परक कर्म जब रहेगा क्योंकि हमारे यहाँ कहा कि दशकम धर्म लक्षणम जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है उसको गति नहीं प्राप्त हो सकते धर्म के लक्षण क्या हैं तो कहा कि धैर्यम क्षमा दमोस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर्विद्याशत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम ये दस धर्म के लक्षण है धैर्य तो राम ने धैर्य को भी धारण किया ये राम का युग है तो राम जी ने धैर्य को धारण किया हम सभी कहते हैं कि हम धैर्यवान हैं लेकिन राम जी ने जो धैर्य को धारण किया उस तरह से कोई धैर्य नहीं धारण कर सकता आप बताएं कोई व्यक्ति हो कोई बच्चा हो और उसे कहा जाए कि आपको कल युवराज बना दिया जाएगा आपको राजा बनाया जाएगा और प्रातः काल उसके साथ यह होता है कि कहा जाता है कि तुम्हें जंगल जाना है तो स्थिति क्या होगी लेकिन राम जी ने ऐसी स्थिति में भी धैर्य को नहीं छोड़ा और उसका परिणाम क्या हुआ राम राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने जी, जी मर्यादित मर्यादित रहे मर्यादित रहे तो धैर्य धैर्य को धारण किया और इतना ही नहीं के अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे जी। राम जी जाते हैं समुद्र के तट पर चाहते तो समुद्र को अग्निवाड़ का संधान करके सुखा देते चले जाते राम जी चाहते तो लंका पर विजय प्राप्त कर लेते लेकिन उन्होंने धैर्य धारण किया और उसका परिणाम रहा मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया इतना ही नहीं तीन दिन के बाद फिर वही समुद्र जब आता है भगवान जब व्याकुल होकर के कहते हैं नहीं छोड़ूंगा निवारण का संधान करते हैं तो आता है और आने के बाद हाथ जोड़ करके खड़ा होता है भगवान ने कहा इस बाण का क्या करें तो कहता है कि आप हमें क्षमा करें और इस बाण को हमारे उत्तर तरफ भेज दें क्योंकि उत्तर तरफ हमारे शत्रु रहते हैं भगवान ने दूसरा धर्म का लक्षण जो क्षमा है उसे भी धारण किया उसे क्षमा किया और परोपकार भी किया हम आप कहते हैं क्षमा कर दिया क्षमा कर दिया देखिए हम सामान्य लोग हैं हम लोग समुद्र के तट पर एक नहीं बीस दिन तक बैठे रहे समुद्र मार्ग न दे न प्रकट हो और हम कहें कि हम क्षमा कर दिए तो यदि न क्षमा करते तो क्या कर लेते समुद्र का लेकिन राम जी ने क्षमा किया और कहा गया है क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो तो राम जी क्षमा किए अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि युग परिवर्तन हुआ है और सतयुग द्वापर त्रेता ये तीनों युग कही न कहीं ना कहीं मेहमान बन करके सौ सौ साल के लिए कलयुग में आए हैं आप क्या मानते हैं अवश्य जहाँ सत्कर्म होना शुरू हो जाए वही सतयुग है जी। हमारे यहाँ नौमान शादी का विधान है जी। तो प्रत्येक दिन में कहीं न कहीं शुभ मुहूर्त प्रत्येक दिन में कहीं न कहीं उस युग का सबका मान होता है तो जब सतकर्म शुरू हो जाए तो वही सतयुग है युग परिवर्तन मानते हैं अवश्य ही तो मित्रों अभी आप सुन रहे थे सुमित्रंदन चतुर्वेदी जी को विशेष पूजा पाठ के लिए जो 121 एक ब्राह्मणों का चयन होता है उनमें से एक सुमित्रानंदन चतुर्वेदी जी थे संत कबीरनगर जिले के बरौली ग्राम के निवासी हैं इन्होंने बताया कि किस प्रकार से वहां पहुँच करके पूजा पाठ में शामिल हुए किस प्रकार की इनकी अनुभूति रही और किस प्रकार से इन्होंने आज की नई पीढ़ी युवा पीढ़ियों को ये संदेश दिया इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार